दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि वैकुंठ इस ब्रह्मांड में आखिर किस स्थान पर मौजूद है। साथ ही ब्रह्मा जी का सत्यलोक, इंद्रदेव का इंद्रलोक किन स्थानों पर मौजूद है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। आज के वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के प्रमाणों के अनुसार उन सभी लोगों की लोकेशन बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मदेव के जन्म के साथ होती है, और जब ब्रह्मदेव की आयु की समाप्ति होती है तो इस ब्रह्मांड का विनाश होता है और हर तरफ केवल अंधकार ही बच जाता है। लेकिन इतने बड़े इस ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव आखिर किस स्थान पर है? भगवान विष्णु जी का वैकुंठ किस जी? तो यह स्थान है उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन, जिसे नक्षत्र कहा जाता है। इस कॉन्स्टेलेशन में सूर्य से भी लाखों गुना तेजवान सितारे मौजूद है। ये कॉन्स्टेलेशन उत्तर की ओर स्थित है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी है 433 प्रकाश वर्ष। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब किलोमीटर, यानी कि 4 क्वाड्रिलियन, 104 ट्रिलियन, मतलब 4 के आगे 15 शून्य लगाओ, इतना अंतर होता है। ये तो पृथ्वी से ध्रुव लोक का अंतर हुआ। ध्रुव लोक के ऊपर 1 करोड़ योजन यानी कि 12,29,53,881 किलोमीटर के बाद आध्यात्मिक जगत में स्थित है महारलोक के ग्रह। ये महारलोक स्वर्गलोक का एक भाग है, जहाँ पर ब्रह्मांड की सदकर्म करने वाली आत्माएं वास करती है। पुराणों के अनुसार जो लोग सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करते हैं तथा किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, वे लोग मृत्यु के पश्चात इन ग्रहों पर जाते हैं। इन ग्रहों पर जीवन रमणीय होता है, मन को शांति देने वाला प्रकृति का नजारा होता है। यहाँ पर जाने वाले जीव स्वयं को पुण्यवान समझते हैं, यहाँ पर रहने वाले जीव तृप्त रहते हैं और कभी दुखी नहीं होते। अब दूसरा लोक है जनलोक। महारलोक के ऊपर 2 करोड़ योजन यानी कि 24 करोड़ किलोमीटर के पश्चात आता है जनलोक। जनलोक के ग्रह पर जाते हैं पुण्य करने वाले लोग, जो स्वयं के स्वार्थ का त्याग कर हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, वही लोग जनलोक के ग्रह पर जाते हैं। ये स्थान बड़ा ही तेजस्वी होता है। यहाँ पर जाने वाले मनुष्य स्वयं देवताओं का दर्शन कर सकते हैं। स्वर्ग के देवताओं को देखने का भाग्य इन ग्रह पर जाने वाले लोगों को मिलता है। इसके बाद आता है तपोलोक। जनलोक के बाद 8 करोड़ योजन यानी कि 98 करोड़ किलोमीटर के बाद स्थित है तपोलोक। इस स्थान पर जाने के लिए बहुत ही कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ पर केवल साधु, ऋषि मुनि और सन्यासी ही जा सकते हैं, जो जीवन के सभी सुखों का त्याग कर केवल ईश्वर की आराधना और सत्कर्म करते हैं, वही लोग इस स्थान पर जाने की योग्य होते हैं। यह स्थान स्वर्गलोक का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। यहाँ पर जाने वाले लोग स्वयं स्वर्ग के देवताओं से मिल सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड की अनेक ऊर्जाओं को नियंत्रित करने वाले देवी देवता रहते हैं, जैसे कि वरुण देव, अग्निदेव इत्यादि। तपोलोक के पश्चात आता है सत्यलोक। तपोलोक के ऊपर 12 करोड़ योजन यानी कि 1,47,54,46,579 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है सत्यलोक, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान पर 2,62,00,000 योजन यानी कि 32,21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है वैकुंठ लोक, जहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान रहते हैं। ये किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। सारे ब्रह्मांड की आत्माएं इस स्थान पर केंद्रित होती है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति करती है। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान में रहे, हम फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ये सभी आंकड़े आध्यात्मिक जगत को दर्शाते हैं। अगर हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाएं, तो ये होता है 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब, 12,29,53,881 किलोमीटर प्लस 24,59,7,763 किलोमीटर प्लस 98,36,31,52 किलोमीटर प्लस 1,47,54,46,579 किलोमीटर प्लस 32,21,39,169 किलोमीटर। इन सब का मिलाकर होता है 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब, 3,15,78,444 किलोमीटर। यानी कि आप देख सकते हैं कितना दूर है वैकुंठ हमारी पृथ्वी से। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ से वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे तो हमें कितना समय लगेगा, इसके बारे में जानते हैं। आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर हम 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इस रफ्तार से हम वैकुंठ को जाएंगे तो हमें 10,52,00,000
30,85,000 घंटे लग सकते हैं, मतलब 12 लाख से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज की टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये था धरती से वैकुंठ तक का सफर। टेक्नोलॉजी के आधार से तो हम कभी वैकुंठ लोग पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग से हम वहाँ पर क्षण भर में पहुँच सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, स्वयं भगवान ही आपको उस स्थान पर ले जाएंगे। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।